हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे पाइथन में फंक्शंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट देखे थे, लूप हमने यहाँ पे देखा था और बाकी यहाँ पे कुछ और जैसे यहाँ पे ब्रेक पास की वर्ड्स हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारे बेसिक्स हैं और ये बेसिक्स आप और लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, जैसे C++ लैंग्वेज में आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं। सी लैंग्वेज का कोर्स मैं करवा चुका हूँ ऑलमोस्ट, उसमें आप पढ़ चुके हैं। सो जैसे इफ एल्स हुआ, लूप हुआ, ठीक है, ये सारे वाइल लूप हुआ, ये सारे हैं जो सेम ही होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बस थोड़ा सा चेंजेज यहाँ पे होता है। सो जैसे हमने इफ एल्स देखा तो उसमें सारी चीज़ें सेम थी, ओके, बस बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क था इंडेंटेशन का। सो इसी तरीके से यहाँ पे फंक्शंस पढ़ेंगे। अब फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है सेम है, जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपने सी में पढ़ा है वो सी में वही रहेगा, C++ में भी, जावा में भी, पाइथन में भी, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहता है, बस उसका सिंटैक्स थोड़ा बहुत बदल सकता है। तो यहाँ पे हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे और हम बिल्कुल टू द पॉइंट एंड इन शॉर्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने फिर से बोला कि कॉन्सेप्ट सारे सेम हैं, बस थोड़ा जो भी चेंजेज हैं, जो नई चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए मैं डेली यहाँ पे कोर्स करवा रहा हूँ, डेली वीडियोज आ रही है। हम कंप्यूटर का जो पार्ट है, जो पेपर टू है, उसका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने 70-80% सिलेबस है जो ऑलमोस्ट डिस्कस भी कर लिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे इन वीडियोस को और कोर्स को आप प्लेलिस्ट वाइज वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे क्लास नोट्स जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा, जो भी नोट्स बनेंगे वो सारे PDF में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगा, ओके। सो हम बात करते हैं सबसे पहले फंक्शंस के बारे में। अब फंक्शन क्या होता है, सभी को पता है फंक्शन क्या होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, सबको पता होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। फंक्शन क्या है, अब कह सकते हैं सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड फंक्शंस है, जो कुछ लाइंस का सेट होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। बस फंक्शन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। मतलब क्या है, कुछ लाइंस का कोड होता है और कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कोई एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे बनाया कि आपको सम करना है दो नंबर का, सम ऑफ टू नंबर्स, सो इसका आपको फंक्शन बनाना है, तो ये क्या करेगा, ये ओनली सम करेगा किसका, टू नंबर्स का, इसलिए बोलते हैं सम स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन बनाया गया है वो उसी टास्क को परफॉर्म करेगा, वो कोई और दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। जिस टास्क के लिए उसको बनाया गया है उसी को वो परफॉर्म करेगा, चाहे उस फंक्शंस को आप कितनी बार भी यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं, कितनी बार भी उसको आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, वो ही परफॉर्म करेगा जिस टास्क के लिए उसको बनाया गया है। सो ये हो गया यहाँ पे फंक्शंस की डेफिनेशन। अब बात करते हैं फंक्शंस के टाइप कितने होते हैं, फंक्शंस के टाइप के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली फंक्शंस हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो हो जाएगा बिल्ड इन फंक्शन और कह सकते हैं यू इन बिल्ड फंक्शन, या कह सकते हैं इसको इनबिल्ड फंक्शंस, मतलब कि जो ऑलरेडी बने होते हैं, पहले से बने होते हैं, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। सो इनबिल्ड फंक्शंस वो होते हैं जो पहले से हमें पाइथन में ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं,
उनको हम सिंपल यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हैं। पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, उनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि वो पहले से बनाए होते हैं। तो पहले से बने हुए फंक्शन होते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं लैंग्वेज में, उनको बोलते हैं इन बिल्ड फंक्शन या बिल्ड इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन। इसको प्री डिफाइंड फंक्शन भी यहाँ पे बोल सकते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब कि पहले से डिफाइंड फंक्शन, उनको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे यहाँ पे हम बात करें एग्जांपल की, तो आपने प्रिंट एफ सॉरी ओनली प्रिंट को यूज किया है, ये क्या है, ये भी इनबिल्ट फंक्शन है। आपने रेंज फंक्शन को यूज किया हुआ है, ये क्या है, ये भी यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन का ही एग्जांपल है। तो प्रिंट है, हमें पता है कि कुछ भी वेरिएबल्स कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे कंसोल पे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट का फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये पहले से बना है, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इसको यूज कर रहे हैं। रेंज फंक्शन हमने देखा था कि हमें कोई एक रेंज नंबर जनरेट करने हैं किसी रेंज में, तो उसके लिए हम रेंज फंक्शन को यूज कर दें। ये पहले से बना हुआ फंक्शन हमने तो नहीं बनाया, हम बस उसको सिंपल यूज कर रहे हैं। तो पहले से बने हुए फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन, बिल्ड इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन। अब दूसरा होता है यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब कि जिनको यूजर डिफाइन करता है, जिनको यूजर डिफाइन करता है, जिनको यूजर क्रिएट करता है, यूजर बनाता है। सो हम बात करेंगे यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन के बारे में कि उनको कैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं, क्या उसका सिंटैक्स होता है, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हम बात कर लेते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन के बारे में। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। बात करेंगे कि वो फंक्शन हम बनाएंगे, जब यूजर कोई फंक्शन बनाएगा तो उसको सिंटैक्स होना चाहिए कि इस तरीके से फंक्शन को बनाते हैं। जैसा आपने सिंटैक्स पढ़ा है C++ लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट वही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे डेफ की वर्ड का यूज करते हैं, डेफ की वर्ड का यूज करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पाइथन में। तो इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, डेफ नेम ऑफ फंक्शन कोई भी हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, पैरांथेसिस और इसके अंदर पैरामीटर्स अगर कोई है तो, जरूरी नहीं है पैरामीटर्स हो, और कॉलन। अभी हम मैंने आपको बताया था कि पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं, यहाँ पे इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट चलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलन लगाना है और कॉलन के बाद आपको क्या करना है, एक तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन हो गया कॉलन लगाने के बाद। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे मतलब इंडेंटेशन आपको फॉलो करना है और उसके बाद में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कोई भी यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, जो भी कोड होगा वो लिख सकते हैं। और ये हो गया सिंपल इसका सिंटैक्स। ऑलराइट, ये हो गया यहाँ पे पाइथन का फंक्शन का सिंटैक्स। और इसमें अगर हम बात करें थोड़ा और, तो यहाँ पे रिटर्न भी यहाँ पे कर सकता है फंक्शन, कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे रिटर्न फंक्शन को, रिटर्न कीवर्ड को यहाँ पे यूज करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट को। तो जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट हो, हर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे, अगर करेगा तो यहाँ पे रिटर्न फंक्शन यहाँ पे होगा, रिटर्न सॉरी स्टेटमेंट यहाँ पे होगा। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स, हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के बारे में। जैसे इससे पहले मैं आपको बताऊं फंक्शन कॉलिंग क्या होता है। जैसे ये फंक्शन हमने बना लिया, फंक्शन के डेफिनेशन फंक्शन हमने बना लिया है, अब अगर हमें फंक्शन को कॉल करना है, मतलब इस फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, कैसे कॉल करवाना है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। और फंक्शन कॉलिंग का सिंटैक्स क्या होता है, बस आपको कुछ नहीं करना होता, फंक्शन का नेम डिफाइन करना है, नेम ऑफ फंक्शन इस तरीके से, बस ये फंक्शन को कॉल कर देगा। जैसे यहाँ पे फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स होंगे तो उसके अंदर पैरामीटर्स पास कर देंगे, तो इस तरीके से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करवाना है आपको इस तरीके से लिखना होगा, तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। एक फंक्शन को कितनी बार भी हम कॉल करवा सकते हैं, मान लो हमने बनाया कि दो नंबर का ऐड करने का फंक्शन, तो आप कितनी बार भी उसको कॉल करवा सकते हैं, उसमें जो दो नंबर हम प्रोवाइड करेंगे उनका वो सम करके आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा या प्रिंट कर देगा। सो फंक्शंस को क्यों हम बनाते हैं ये आपको पता ही है, बेसिक्स आ गए अगेन फंक्शन के बारे में, वो क्यों हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। फंक्शंस
कोड को रीयूज कर सकते हैं एक तरीके से, जो भी कोड है उसको बार बार नहीं लिखना होगा हमें, जब भी दो नंबर का एडिशन करना है हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सो इट रिड्यूस द कोड लाइन ऑफ कोड्स। ओके, अब बात कर लेते हैं एग्जांपल की। तो सबसे सिंपल एग्जांपल पहले मैं लिखता हूँ, मैंने जो सिंटैक्स बनाया उसी को मैं फॉलो करूँगा। जैसे यहाँ पे वन मिनट, मान लीजिए मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ सिंपल सा, तो मैं डेफ कीवर्ड का यूज करूँगा और मैं फंक्शन का नेम दूंगा। नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेट्स से ग्रीटिंग ब्रैकेट्स कॉलन, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कितने भी लाइन का कोड लिख सकता हूँ। बस मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, हेलो। ऑलराइट, मैंने हेलो लिखा बस, और फंक्शन यहाँ पे एंड हो गया। मतलब एक ही लाइन का कोड है उस फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर कितनी भी लाइंस का कोड हो सकता है, एक लाइन से लेके कितनी भी लाइन का कोड उसके अंदर हो सकता है। अभी हम सिंपल सिंटैक्स समझ रहे हैं इसलिए हमने बस इतना सा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सिंपल एक फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब फंक्शन का नाम क्या है, देखो ये तो डेफ कीवर्ड मैंने आपको बताया था, ये तो कीवर्ड का यूज करते हैं, ये तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। ये हो गया फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम हो गया, और ये कॉलन होता ही है, यहाँ पे पैरामीटर्स हो जाएंगे अगर पास करेंगे तो, इसमें अभी कोई पैरामीटर नहीं है। और ये क्या हो गया, प्रिंट स्टेटमेंट, मतलब फंक्शन के अंदर आप जो भी कोई स्टेटमेंट और कुछ कोड लिखना चाहेंगे तो वो यहाँ पे हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, हमने एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाया है, ग्रीटिंग नाम से फंक्शन बनाया है, जिसको अगर हम रन करवाएंगे तो वो क्या करेगा, वो हेलो प्रिंट करेगा, सिंपल हेलो प्रिंट करेगा। सो अभी हमने क्या किया, फंक्शन बनाया है, सिर्फ हमने फंक्शन बनाया है, इसको कॉल नहीं करवाया। सो जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करवाएंगे तब तक वो फंक्शन रन नहीं होगा। फंक्शन बनाना अलग चीज़ है और बनाने के बाद उसको यूज करना अलग चीज़ है। तो फंक्शन हमने बना दिया है, अब फंक्शन बनाने के बाद उसको अगर यूज करना है तो उसको कॉल करवाना होगा। तो कॉल कैसे करवाएंगे, अब मान लीजिए इस फंक्शन को मुझे कॉल करवाना है, तो कॉल करवाना है तो मैंने क्या बोला कि सिंपल आपको फंक्शन का नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे, जो फंक्शन का नेम है, क्या नाम है फंक्शन का, ग्रीटिंग और कर्ली ब्रैकेट, दैट्स इट, इतना आप लिखेंगे तो वो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। पैरामीटर्स अभी कोई है नहीं, आगे हम देखेंगे, पैरामीटर्स आप दोगे तो उसके अंदर आप पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। सो ये फंक्शन हमने सिंपल किया, अब अगर इसको कॉल करवाया तो एक तरीके से फंक्शन रन हो जाएगा, इस फंक्शन को कॉल करवाया तो फंक्शन रन होगा तो आउटपुट क्या देगा, वो प्रिंट करेगा हेलो, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, हेलो प्रिंट करने का फंक्शन हमने बनाया है। अब मैंने आपको बताया था एक फंक्शन को कितनी बार भी आप यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं, आप इसको दोबारा कॉल करवा सकते हैं। जब जब आप इस फंक्शन को कॉल करवाओगे तब तब उसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे हेलो उसका आउटपुट आएगा, क्योंकि हमने फंक्शन ही वो बनाया है जो हेलो प्रिंट करेगा। अब सपोज जिसमें एक लाइन है अभी, तो इसमें मान लीजिए हमने कोई एक ऐसा कोड हमें बनाना था जिसको एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, उसमें मान लीजिए कि 100 लाइन का कोड है, तो जब जब हमें वो टास्क करना होगा हम बार बार उस फंक्शन को कॉल करवा लेंगे, सिंपल एक बार उसको डिफाइन करेंगे, बार बार उसको कॉल करवा सकते हैं। तो बार बार हमें 100 लाइंस का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे हमें जब भी हेलो प्रिंट करवाना होगा तो बार बार हम फंक्शन नहीं लिखेंगे, सिंपल हम उस फंक्शन को कॉल करवा लेंगे। तो ये होता है फंक्शन का यूज बेसिकली। तो ये हमने देखा बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स फंक्शन का। अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन में हम रिटर्न कैसे करेंगे, रिटर्न कैसे करते हैं, और फिर हम देखेंगे पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। चलिए पैरामीटर कैसे पास करते हैं, तो फंक्शन में पैरामीटर कैसे पास करते हैं, पैरामीटर पासिंग, तो पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं फंक्शन में। तो अभी हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया, उसी फंक्शन को मैं दोबारा बनाऊंगा, बट उसमें मैं यहाँ पे पैरामीटर्स पास करूँगा। अभी तो कोई पैरामीटर नहीं पास किया हमने, हम उस फंक्शन कॉल करवाएंगे वो हेलो प्रिंट करेगा बस। बट मैं क्या करूँगा, अब एक फंक्शन बनाऊँगा, वही फंक्शन बनाऊँगा दोबारा से ग्रीटिंग नाम से, डेफ ग्रीटिंग। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल बनाता हूँ, पहले पैरामीटर में नहीं दे रहा समझाने के लिए आपको। तो अब मैं क्या करूँगा, ये क्या करेगा, लेट्स से प्रिंट, मैं इसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मान लीजिए हेलो यूजर, ठीक है, ऐसे कुछ इसने प्रिंट किया मान लीजिए। और अब मैं इस फंक्शन को जब कॉल करवाऊँगा
ग्रीटिंग में लिखूंगा तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा हेलो यूजर। बट हम चाहते हैं कि हेलो यूजर प्रिंट करेगा तो अब यूजर की जगह कोई नाम हो, कि मैं मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं कॉल कर रहा हूँ तो प्रिंट कर देगा हेलो राम, दूसरी बार प्रिंट करेगा हेलो श्याम, हेलो मोहन। तो कहने का मतलब है वो अलग अलग नेम उसमें होना चाहिए। अभी तो आप इसको जितनी बार कॉल करवाओगे उतनी बार वो हेलो यूजर लिखेगा। आप अगर यहाँ लिख दोगे हेलो राम तो वो कितनी बार भी उसको कॉल करवाओ वो क्या प्रिंट करेगा, हेलो राम। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि हेलो ग्रीटिंग तो हेलो रहे बट उसके अंदर अलग अलग यूजर आ जाए, हेलो राम, हेलो श्याम, हेलो मोहन। मतलब हम उसको बता दें कि क्या नाम वहाँ पे लेना है। ऑलराइट, तो अब हमें वो बताना है तो हमें क्या करना होगा, हमें पैरामीटर्स पास करने होंगे, मतलब कोई नेम पास करना होगा। अभी तो कोई पैरामीटर पास नहीं किया इसलिए सिंपल वो हेलो यूजर या हेलो राम जो भी आप लिखोगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर उसको वो प्रिंट कर देगा। बट हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई फंक्शन में पैरामीटर दें, कोई नाम प्रोवाइड करें और वो जो नाम हम देंगे उसी नाम को प्रिंट करेगा। जैसे हेलो अगर राम प्रोवाइड करेंगे तो हेलो राम प्रिंट कर देगा, अगर श्याम प्रोवाइड करेंगे नेम पैरामीटर में तो हेलो श्याम प्रिंट कर देगा। तो वो कैसे करेंगे वो यहाँ पे आप देखिए। तो यहाँ पे मैं अगेन फंक्शन बनाऊँगा डेफ ग्रीटिंग। अब मुझे कोई यहाँ पे नेम लेना है तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई पैरामीटर पास करना है तो आप यहाँ पे पैरामीटर्स ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कितने पैरामीटर्स आप दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए पैरामीटर पास करूँगा तो उसको रिसीव करना है तो मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया। आप कोई भी XYZ PQR ABCD कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं पैरामीटर का। तो मैंने नेम नाम से एक वेरिएबल बना लिया, अब यहाँ पे कॉलन, और अब मैं क्या करूँगा प्रिंट हेलो और यहाँ पे मैं कॉमा नेम कर दूंगा। अब ये क्या करेगा कि हेलो तो प्रिंट कर गई तो एक स्ट्रिंग हो गई, अब कॉमा मैं नेम करूंगा तो जो नेम हम पास करेंगे उस नेम को प्रिंट करेगा। अभी तो हमने हेलो यूजर देखा था इधर या हेलो राम देखा था, मतलब फिक्स था जो प्रोवाइड करेंगे वही प्रिंट कर देगा, जो भी हम कितनी बार भी कॉल करेंगे जो लिखा हुआ है प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर उसी को प्रिंट करता था। बट अब हमने यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल यहाँ पे बना लिया है, इसको पैरामीटर बोलेंगे एक तरीके से, पैरामीटर है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे जब कॉल करवाएंगे तब वो नेम है वो इस नेम नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, पैरामीटर में आ जाएगा और इसको आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप नाम प्रोवाइड करेंगे तो प्रिंट करेगा हेलो राम, श्याम प्रोवाइड करेंगे तो हेलो श्याम, इस तरीके से प्रिंट करेगा। सो अब मुझे कॉल करवाना है फंक्शन को, फंक्शन कॉलिंग, तो अब मैं क्या करूँगा ग्रीटिंग मैंने लिखा, अब यहाँ पे देखिए एक पैरामीटर मैं ले रहा हूँ, मतलब कोई पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ तो पैरामीटर मुझे प्रोवाइड भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा मान लीजिए हेलो, कोई नेम प्रोवाइड कर दूंगा राम, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये प्रिंट करेगा यहाँ पे हेलो राम। इसी तरीके से अब मैं कोई भी नाम प्रोवाइड करूँगा उसी नाम को वो प्रिंट कर देगा, जैसे मैं अब की बार मान लीजिए मोहन प्रोवाइड करता हूँ मान लीजिए, तो ये प्रिंट करेगा मुझे यहाँ पे हेलो मोहन। तो ये समझ लो आपकी यहाँ पे पैरामीटर्स आप दे सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे पैरामीटर देना देख लिया, अब पैरामीटर्स एक हो सकता है, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी यहाँ पे देखेंगे उससे, और उसके साथ साथ भी हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि रिटर्न कैसे करेंगे। आपको कोई भी चीज़ रिटर्न करना है, अभी देखो हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो रिटर्न कैसे करेंगे और मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे लेंगे वो सारी चीज़ें आपको एक ही एग्जांपल से समझ आ जाएंगी। हम क्या करेंगे, दो नंबर्स का एडिशन करने का यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं। क्या प्रोग्राम लिखेंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर को एडिशन आपको करना है तो सिंपल सा फंक्शन लिखना होगा इसका। अब मैं फंक्शन यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, डेफ कीवर्ड मैंने लिखा और मान लीजिए मैं सम नाम का फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। हालांकि सम नाम का फंक्शन पाइथन में पहले भी डिफाइन होता है, तो पहले से डिफाइन फंक्शन होता है उसको आप उसका नाम नहीं यूज कर सकते हो, हालांकि मैं कर लेता हूँ, मैंने आपके पास बता रखा है, मैं सम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है सम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे दो नंबर्स को सम करना है तो दो नंबर लेने भी होंगे। मान लीजिए मैं x, y ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं आप, ऑलराइट कॉलम। और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, पहले मैं क्या करता हूँ दो नंबर्स को
ऐड करके मैं चाहता हूँ कि उसको रिटर्न में या रिटर्न भी दिखाना चाहता हूँ। हालांकि सब पता है आपको, सी लैंग्वेज आपने पढ़ा हुआ है तो बेसिक सी भी सारी पता है। तो मुझे कोई भी नंबर्स को रिटर्न करना है मान लीजिए, तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर और यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लूँगा, मान लीजिए जेड, और जेड में क्या करूँगा एक्स प्लस वाई लिख दूंगा। अब मुझे यहाँ पे क्या आ गया, जेड में दोनों को सम आ चुका जो नंबर हमने एक्स वाई में प्रोवाइड किए पैरामीटर्स में। अब मैं इसको रिटर्न भी कर सकता हूँ। तो जब आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना है, और इसके अंदर किस वैल्यू को रिटर्न करना है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। जैसे रिटर्न जेड लिखेंगे तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, दो नंबर्स को लेगा एज ए पैरामीटर और उनको ऐड करके जेड नाम के वेरिएबल में असाइन कर देगा दोनों को, सम को, और उस सम को रिटर्न कर देगा। अब इसको ये मतलब कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। अभी तक हमने कोई फंक्शन बनाए थे ये ऊपर, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे थे, बट ये फंक्शन क्या कर रहा है, कोई वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अब कोई वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है तो हमें इसको जब कॉल करवाना है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉल करवा रहा हूँ। तो मुझे कॉल करवाना है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ सम ऑफ टू नंबर्स हैं, तो कोई दो नंबर देने होंगे, मान ले मैं दे रहा हूँ 10 and 20, दो नंबर यहाँ पे हमने लिए पैरामीटर्स में, तो दो ही पास करने होंगे पैरामीटर्स। तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन कोई वैल्यू इसने क्या किया, देखो यहाँ पे आए दो नंबर, दो नंबर का ऐड किया, जेड में यहाँ पे वैल्यू आ गई दोनों के एडिशन ऐड करके, और जेड को रिटर्न किया। तो रिटर्न करेगा तो अब ये फंक्शन हमने कॉल करवाया इधर, यहाँ पे ये फंक्शन कॉलिंग है, तो फंक्शन कॉलिंग हमने करवाई। तो कोई जब फंक्शन रिटर्न करता है कोई वैल्यू, इसका मतलब हम उसको कुछ दे रहे हैं, पैरामीटर्स दे रहे हैं कि हमें दो नंबर हैं 10 और 20, उनको ऐड करके दे दो, दे दो मतलब कि ऐड करके रिटर्न कर दो। तो अब ये हमने दो पैरामीटर्स दिए हैं उस फंक्शन को, तो वो उनको ऐड करके वापस रिटर्न करेगा कोई वैल्यू। तो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमें लेना भी तो होगा उस वैल्यू को, लेना होना इसका मतलब क्या है, लेना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि हमें उसको किसी वेरिएबल में स्टोर तो करवाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन हमने कॉल करवाया है, अब ये फंक्शन कॉल करवाया है तो ये फंक्शन हमें कोई वैल्यू देगा वापस, कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसको हमें वापस से किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो इस तरीके से कुछ लिखना होगा, s इक्वल मान लीजिए सम 10 and 20, तो ये क्या करेगा, दोनों के सम को यहाँ पे रिटर्न कर देगा इस नाम के वेरिएबल में। और फिर इसका आप कुछ भी कर सकते हो, इस वेरिएबल को आप इसको प्रिंट कर सकते हो s, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 20 हमने प्रोवाइड किया, 10 20 को ऐड किया, जेड में आ गया 30 30 को इसने रिटर्न किया, तो हमने इस नाम इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसको प्रिंट कर दिया, तो ये क्या करेगा, हमें 30 प्रिंट कर देगा। समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को रिटर्न भी कर सकते हैं फंक्शन से कोई भी वैल्यू को। अब फंक्शन से वैल्यू कोई रिटर्न करता है तो उसको आपको यहाँ पे स्टोर भी करवाना होगा, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शंस में आप एज ए पैरामीटर कोई वैल्यू, लिस्ट, नेम, डिक्शनरी, कुछ भी यहाँ पे आप टपल्स कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, है ना, उतना ज़्यादा डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे फंक्शन से आप किस तरीके से वैल्यू, आर्गुमेंट्स, वेरिएबल पास कर सकते हो। एक हो जाएगा डिफॉल्ट, जैसे मान लीजिए कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट, पैरामीटर्स या आर्गुमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। तो डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हम कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहें तब तो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट उसका क्या वेरिएबल, क्या उसका वैल्यू उसमें होनी चाहिए, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसी को मैं लेता हूँ ग्रीटिंग नाम को, ग्रीटिंग। अब मैं मान लीजिए मैं नेम नाम का पैरामीटर है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इक्वल यूजर, इसका मतलब क्या हुआ मैं भी बताऊँगा, और यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट हेलो नेम, अभी लिखा था फंक्शन हमने, और अब यहाँ पे मैं इसको कॉल करवाऊंगा। तो जब मैं कॉल करवाता हूँ और मैं ग्रीटिंग में अगर कोई नेम प्रोवाइड करता हूँ, मान लीजिए राम, तो अब ये नाम मैं प्रोवाइड करूँगा तो ये क्या हो गया, इस वेरिएबल में राम आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा हेलो राम। बट अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करवाता हूँ और मैं इसमें कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने एक पैरामीटर लिया नेम नाम का, तो जब उसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो उसमें वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो आ जाएगा, बट अगर हम उसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, कि अगर यूज़र कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। तो वो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आप इस तरीके से यहाँ पे पास कर सकते हो, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट
आर्गुमेंट या पैरामीटर, मतलब नेम नाम के वेरिएबल में जब यूजर कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है, पैरामीटर पास करता है, तो वो तो उसमें स्टोर हो जाएगा नेम में, उस नेम को प्रिंट कर देगा। जैसे राम प्रोवाइड किया तो राम को प्रिंट कर देगा, हेलो राम। बट कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, यूजर, वो हमने दे रखी है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। तो कुछ भी नेम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसमें नेम में यूजर आ जाएगा, तो ये प्रिंट करेगा हेलो यूजर, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। एक होता है वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स, पाइथन में ये अलग चीज है, ये अलग चीज है पाइथन में, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं कि कितने पैरामीटर्स पास करेंगे। वेरिएबल लेंथ मतलब कितनी भी लेंथ हो सकती है, मान लो आपने उसमें दो पैरामीटर पास किए, तीन किए, तीस किए, चालीस किए, कोई हमें पता नहीं है। अगर हमें पहले से पता है, जैसे हमने ये लिया सम ऑफ टू नंबर्स, तो हमने देखा सम ऑफ टू नंबर करना है, तो दो नंबर का सम कर दें तो दो नंबर प्रोवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, दो पैरामीटर पास करेंगे। तो हमें पहले से पता है कि दो नंबर हम यहाँ पे पास करेंगे क्योंकि हमें दो नंबर्स का सम करना है। बट मान लीजिए कि आपको पहले से पता नहीं हो, आपको पहले से पता नहीं है कि कितनी वैल्यूज आपको पास करनी है, तो उसके उसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। मतलब वेरिएबल लेंथ कितनी भी लेंथ उसकी हो सकती है, तो वो कैसे आप पास कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक कीवर्ड है, उसको यूज करते हैं यहाँ पे। किसको यूज करते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये आपको समझ आएगा वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स क्या होता है। तो जैसे आपने दो नंबर्स का सम किया तो दो पैरामीटर पास किए, आपको पहले से पता था। बट मान लीजिए हमें कितने भी नंबर्स यूजर दे सकता है और उनका सम करना है, हमें नहीं पता कितने नंबर वो देगा, तो अननोन नंबर्स है मतलब, तो यहाँ पे वेरिएबल लेंथ पैरामीटर उसको बोलते हैं। तो अब इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे कीवर्ड है उसको यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, ए आर जी एस स्टार, ए आर जी एस, ए आर जी एस को ऐसे बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट, ए आर जी एस स्टैंड फॉर आर्ग्यूमेंट, और स्टार आर्ग्यूमेंट ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आप अननोन नंबर्स पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकते हो। कैसे, इसको मैं यूज करके अभी आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अब पाइथन एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछ सकते हैं कि वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स में कैसे पास करते हैं, पाइथन में कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं, इतना ही पूछेंगे बस, और इससे ज़्यादा क्या पूछ सकते हैं। सो अब आपको क्या करना है, मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए अभी आपने दो नंबर्स का सम किया तो दो नंबर आपको पता था कि दो पैरामीटर देंगे, तो दो पैरामीटर आपने पास किए। बट मैं मुझे नहीं पता कितने नंबर यूजर प्रोवाइड करेगा, एंटर करेगा, जितने भी नंबर यूजर देगा उतने नंबर्स को ऐड करना है। मतलब हमारे पास वेरिएबल लेंथ हो गई, अननोन नंबर हो गए कि कितने नंबर का यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे पैरामीटर में, तो वो हमें नहीं पता। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ए आर जी एस को यूज करूँगा, स्टार ए आर जी एस। तो अब यहाँ पे कैसे देंगे, जैसे मैं सेम फंक्शन वापस से बनाता हूँ, देखिए डेफ सम। अब यहाँ पे दो पैरामीटर हम ले रहे थे पहले, क्योंकि हमें पता था कि दो नंबर्स का सम करना है, बट अब की बार हमें नंबर नहीं पता, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए आर जी एस ऐसे यूज कर लूँगा। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब इसमें क्या होगा, जितने भी नंबर्स आप प्रोवाइड करेंगे वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा एक लिस्ट की तरह। मान लीजिए एक तरीके से समझ सकते हैं, ये टपल हो गई ए आर जी एस, और इसमें आप 10, 20, 30 जितने भी यहाँ पे प्रोवाइड करोगे वो सारे इसमें आ जाएंगे, चाहे दो नंबर प्रोवाइड करो, तीन करो, तीस करो, चालीस करो, जितने भी करेंगे वो इसमें यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो अब उनको प्रिंट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग करता हूँ पहले, जब आपको समझाऊंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, फंक्शन को कॉल करना, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम, मान ली 10, 20, 30, 50, 60, कुछ भी कर सकता हूँ, कितने भी नंबर दे सकता हूँ, अननोन नंबर्स हैं, मुझे नहीं पता कि कितने पैरामीटर्स में पास कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स। तो अब इतने नंबर पास किए, सबको हमें ऐड करना है, तो ये क्या हो गया, ये वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया ए आर जी एस, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से इसमें इसको एज ए लिस्ट इस तरीके से यहाँ पे स्टोर कर देगा, लिस्ट है इसको, ये क्या करेगा, एक तरीके से लिस्ट बन जाती है इसकी, और लिस्ट हम पढ़ चुके हैं पाइथन में। तो अब इन लिस्ट में हम जो भी नंबर्स आ गए हमारे पास आ गए, अब उनको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड कैसे करेंगे, अब फोर लूप का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, फोर लेट्स से फोर एक्स इन ए आर जी एस, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो मान लीजिए मैं सम नाम का एक एस नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, एस इक्वल एस प्लस
ARGS या सॉरी X, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब एक लिस्ट में हमारे पास वो सारे पैरामीटर्स आ गए। अब उन पैरामीटर्स को हम ऐड कर सकते हैं कैसे, फोर लूप का यूज करके, फोर एक्स इन आर्ग्यूमेंट्स, ये फोर लूप लगा दिया और हमने एक पैरामीटर ले लिया x और x इक्वल s प्लस x कर दे, ठीक है। मतलब ये सबका यहाँ पे ऐड कर देगा सबको, और लास्ट में इसको रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिटर्न s, मतलब जो भी लिस्ट में वेरिएबल्स पैरामीटर्स थे उन सबको ऐड करके रिटर्न कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल लेंथ पैरामीटर पास करते हैं तो उसके लिए आप इस कीवर्ड को यूज करते हैं, और ये एक तरीके से लिस्ट में स्टोर करता है, लिस्ट को यूज करता है। तो ये हो गया वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स। एक और होता है इसी तरीके से कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ये दो नई चीजें हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में पूछें तो इतना ही पूछ सकते हैं कि कौन से पैरामीटर्स को यूज करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स के लिए और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए कौन से पैरामीटर को यूज करते हैं, और मैंने यहाँ पे एग्जांपल से भी आपको समझा दिया। सो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब ये हुआ कि आप जैसे डिक्शनरी होती है, आप की वैल्यू पेयर में वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तो इस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं पाइथन में पैरामीटर्स में। तो उसके लिए कौन से कीवर्ड को यूज करते हैं, अभी कीवर्ड्स पर आर्ग्यूमेंट है तो इसका क्या कीवर्ड यूज करते हैं, स्टार स्टार के डब्ल्यू ए आर जी एस, तो के डब्ल्यू मतलब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो इसको यूज करते हैं इस कीवर्ड को। एग्जाम में अगर पूछते हैं तो ऐसे ही कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक तरीके से डिक्शनरी की फॉर्म में वैल्यू को डिक्शनरी फॉर्मेट में पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, वो ऊपर अभी हमने देखा था वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स, वो क्या करता है, लिस्ट को यूज करता है, ये डिक्शनरी को यूज करता है। तो यहाँ पे जैसे मैं दूंगा डेफ, अब सम तो नहीं लूंगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं नेम्स लिख देता हूँ, मतलब नेम नहीं, मान लीजिए मैं डेफ कोई भी मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ यार, एक्स वाई जेड में दे रहा हूँ, ठीक है। तो के डब्ल्यू ए आर जी एस ऐसे कुछ यूज करेंगे इसको, और कॉलन। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे फंक्शन कॉलिंग करते हैं, मान लीजिए मैं फंक्शन कॉलिंग करवाता हूँ यहाँ पे नीचे, तो ये फंक्शन का कॉलिंग करना है मुझे। तो मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन कॉलिंग कर रहा हूँ एक्स वाई जेड, फंक्शन का नाम है, तो मैं ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ भी, मान लीजिए नेम इक्वल राम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, ये नेम राम कॉमा करके कुछ भी यहाँ पे, जैसे रोल नंबर इक्वल 1105, ऐसे वही डिक्शनरी के फॉर्मेट में इस तरीके से आप वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हो कितने भी। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड पास करना है तो इस कीवर्ड का यूज करते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे ये अनऑर्डर्ड होते हैं, मतलब कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, आप इसको रोल नंबर को पहले लिख सकते हो, नेम को बाद में लिख सकते हो, तो ये क्या है, अनऑर्डर्ड। तो अब यहाँ पे इनको आपको सिंपल मान लें नेम प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट नेम प्रिंट कर सकते हैं सिंपल, एक मिनट, और इस तरीके से नेम को प्रिंट कर सकते हैं। आपको रोल नंबर प्रिंट करना है तो आप रोल नंबर को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे डिक्शनरी से वैल्यूज आप यहाँ पे एक्सेस करते हो इस तरीके से रोल नंबर। तो ये क्या है, डिक्शनरी के फॉर्मेट में पैरामीटर्स को लेता है, डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो आपको इस तरीके से पैरामीटर पास करने हैं तो आप इस पैरामीटर इस कीवर्ड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था फंक्शंस में, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का टाइप देखा, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, और फंक्शन से कैसे पैरामीटर्स हम लेते हैं फंक्शन में, और फंक्शन से कैसे वैल्यू रिटर्न करते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। एक और होता है यहाँ पे लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन और होता है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे, अगर पूछ लिया जाए तो। ये पाइथन में होता है, ये अलग चीज़ें आपके लिए नहीं है। तो एक होता है लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन। सो लैम्डा फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोई बॉडी नहीं होती है, मतलब उसका कोई बॉडी पार्ट नहीं होता है,
मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, हैव नो बॉडी पार्ट। एक लाइन, मतलब एक लाइन में ही आपको पूरा लिखना होता है इसको। इनलाइन फंक्शन जैसे होते हैं ना, उस तरीके से होता है इनलाइन फंक्शन, मतलब एक ही लाइन का फंक्शन है। तो इसमें कोई बॉडी पार्ट नहीं होता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है पहले वो देखते हैं। ये आप नॉर्मली तब यूज करते हो लैम्डा फंक्शन को जब वहाँ पे आपको कोई कॉर्ड है फंक्शन के अंदर जो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा कॉर्ड है, ठीक है, शॉर्ट कॉर्ड है, तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, इसके लिए कीवर्ड क्या यूज करते हैं, सबसे पहले तो वो देख लीजिए। इसके लिए लैम्डा कीवर्ड को यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, लैम्डा, डेफ यूज नहीं करते हैं, लैम्डा कीवर्ड है इसको यूज करते हैं इसमें। सो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, सिंटेक्स में बता रहा हूँ आपको। जैसे लैम्डा और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट, अगर उसमें कुछ आर्गुमेंट है तो वो, और यहाँ पे लिखेंगे आप एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी, जो भी उसके अंदर बॉडी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉलन करके। बस इतना सा सिंटैक्स होता है इसका, एक ही लाइन का फंक्शन है। अब एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया, पहले मैं नॉर्मल फंक्शन बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक वेरिएबल लेना है x, और x में आपको 1 प्लस करना है, x प्लस 1 करना है आपको। तो इसके लिए फंक्शन कैसे बनाएंगे आप, नॉर्मल फंक्शन आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डेफ, मैं मान लो इंक्रीमेंट नाम से बना सकता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक x पैरामीटर लिया, तो x इक्वल x प्लस 1 कर दूंगा, और मैं क्या करूँगा, रिटर्न x कर दूंगा। ये फंक्शन बनाया मैंने छोटा सा, जो क्या करेगा, एक वेरिएबल लेंगे उसमें x रिटर्न, एक ऐड करके एक से इंक्रीमेंट करके उसको रिटर्न कर देगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी कुछ भी मैंने बन वैल्यू पास की, मान लीजिए इंक्रीमेंट, और मान लो आपने 10 पास की, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा यहाँ पे 11। ये एक मैंने फंक्शन बनाया नॉर्मल। बट आप इसको यूजिंग लैम्डा फंक्शन कैसे कर सकते हैं, इसको आप लैम्डा फंक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे आप, इसके यूज करेंगे लैम्डा, और यहाँ पे सिंटेक्स क्या था, देखिए लैम्डा आर्गुमेंट अगर कुछ है तो यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट है x, तो x कॉलन एक्सप्रेशन, मतलब बॉडी, उसके अंदर बॉडी क्या है। अब आपको क्या करना है, x में x प्लस 1 ही तो करना है, छोटा है पार्ट है इसका, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1। बस इतना सा ये फंक्शन हो गया पूरा। तो ये क्या करेगा, ये इसका कोई नेम नहीं होता है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसका कोई नेम नहीं होता है इस फंक्शन का। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, हैव नो बॉडी और हैज नो नेम। नो नेम ये इसको बोलते हैं कि ये एक तरीके से अननोन फंक्शन होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं आप एनोनिमस फंक्शन होता है, एनोनिमस फंक्शन, या इसको बोल सकते हैं अननोन फंक्शन, मतलब इसका कोई नेम नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, हमने फंक्शन बनाया तो इसका कोई नाम थोड़ी दिया है, हमने कोई भी नाम नहीं दिया, ये अननोन नेम होता है इसका, एनोनिमस नेम होता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अब ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, इसको मान लीजिए हम यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं इसमें। तो अगर हम इस तरीके से x में, अब इसको हम यहाँ पे इसमें पास करते हैं 10, तो ये एक इंक्रीमेंट कर देगा, 10 x प्लस 1 कर देगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं दो नंबर्स के एडिशन करवाना है मुझे, टू नंबर एडिशन, दो नंबर के एडिशन के लिए करना है, मतलब दो पैरामीटर लेने, तो कैसे करेंगे आप, लैम्डा और मान लीजिए एक्स और वाई, दो पैरामीटर लेने, कॉमा करके दो पैरामीटर दे सकते हैं आप। एक्स प्लस वाई तो करना है बस आपको, इसकी इतनी सी बॉडी है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर देंगे। तो अभी क्या करेंगे, दो जो पैरामीटर हम पास करेंगे उनका यहाँ पे उनको सम करके और वो रिटर्न करवा देगा। सिंपल है बिल्कुल। तो ये होता है लैम्डा फंक्शन। इसके लिए कीवर्ड क्या यूज़ करते हैं, लैम्डा कीवर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आएगा कि लैम्डा फंक्शन के लिए कौन से कीवर्ड को यूज़ करते हैं, और इसका लैम्डा फंक्शन में क्या होता है, इसका कोई बॉडी पार्ट नहीं होता है, और इसका कोई नेम नहीं होता है, और ये एक ही लाइन का फंक्शन होता है। तो इसको इनलाइन या लैम्डा फंक्शन को बेसिकली क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, अननोन फंक्शन बोलते हैं। इसका सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया, क्या सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स पूछा जा सकता है आपसे। तो ये होता है यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का कॉन्सेप्ट। सो
अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया पूरा फंक्शंस के बारे में, हमने मेरे हिसाब से पूरी चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दी है, जो भी फंक्शन के बारे में था सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया फ्रॉम द बेसिक फ्रॉम द स्क्रैच। सो आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, हमने डिस्कस किया फंक्शंस के बारे में। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और प्रॉब्लम नहीं हो तो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये पीडीएफ है इसकी मिल जाएगी, जो नोट्स हैं ये क्लास नोट्स, ये पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।